आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कॉलेज की छुट्टियां पड़ जाने के बाद अब बड़ी परेशानी ये थी कि छुट्टियां बिताने जाए कहाँ, क्योंकि हम तकरीबन सारे हिल स्टेशन और सभी घूमने की जगहों पर पहले ही होकर आए थे। तभी मुझे याद आया कि एक बार मेरे दोस्त नीरज ने मुझे अपने नानी घर के बारे में बताया था, जिस पर मैंने अपने सामने बैठे नीरज से कहा, सुन एक काम करते हैं, मुझे याद है तूने एक बार मुझे अपने नानी घर के बारे में बताया था, तो वहीं चलते हैं। इस पर नीरज बोला, हाँ यार अच्छा याद दिलाया तूने, ये सही रहेगा। फिर मैंने बोला, तो कल ही चलते हैं, मजा आएगा। जिसके बाद ये तय हुआ कि इस बार की पूरी छुट्टियां हम लोग नीरज के नानी के घर में ही बिताएंगे। अगली सुबह ट्रेन पकड़कर हम लोग सीधे नीरज के नानी घर के स्टेशन पर उतरे। तब तक सूरज सर पर आ चुका था, यानी दोपहर हो चुकी थी। खैर चूंकि मौसम ठंड का था इसलिए धूप से हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, उल्टा ठंड के मौसम में हम इस धूप का मजा ले लेकर चल रहे थे। स्टेशन से बाहर निकलते ही नीरज मुझे एक साइकिल रिक्शा की तरफ ले गया और रिक्शे वाले से बोला, चाचा कालबट गांव चलोगे? जिसके बाद उस रिक्शे वाले से हाँ का जवाब मिलते ही हम दोनों चल पड़े नीरज के नानी घर की ओर। कुछ ही देर में हम दोनों नीरज के नानी घर पहुंच गए। वहां का माहौल काफी सुकूनदायक था, सड़क घर से काफी दूर था इसलिए शोर शराबे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। घर के आसपास दो चार मिट्टी के घर थे और उसके अलावा अगर वहां कुछ था तो सिर्फ घना जंगल और खेत खलियान, जो उस छोटे से गांव को और भी खूबसूरत बना रहे थे। अब तक शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे ठंड ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। तभी नीरज मुझसे बोला, भाई चल गांव में थोड़ा घूम कर आते हैं। गांव घूमने का तो मुझे भी बड़ा मन था इसलिए हम दोनों उसी वक्त गांव घूमने निकल पड़े। लगभग लगभग अंधेरा हो चुका था और कोहरा भी तकरीबन पूरे गांव में फैल ही चुका था। तभी मैंने अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए नीरज से कहा, भाई यहाँ ठंड कुछ ज्यादा नहीं है? तो नीरज बोला, भाई ये गांव है, यहाँ शहर की तरह लोग नहीं रहते हैं और सन्नाटे में ठंड ज्यादा ही लगती है। तभी मैंने बोला, यहाँ कोई मंदिर वंदिर है या सिर्फ जंगल ही है? तो नीरज बोला, मंदिर तो है पर इस गांव में ईसाई लोग ज्यादा रहते हैं तो चर्च है यहाँ पर। अभी नीरज ने इतना कहा ही था कि तभी किसी चीज से ठोकर लगने की वजह से मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि जमीन पर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा था, अंदर प्रवेश करना मना है। जिस तरफ उस बोर्ड का इशारा था उधर एक पुरानी सी टूटी फूटी इमारत थी। ध्यान से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई चर्च हो। खैर मैं उठकर सीधा खड़ा हुआ और जब नीरज से उस इमारत के बारे में पूछा तब उसने कहा, दरअसल ये एक पुराना चर्च है, ये बहुत सालों से ऐसे ही बंद पड़ा है। जिस पर मैंने नीरज को वो बोर्ड दिखाते हुए कहा, पर इस बोर्ड पर ऐसा क्यों लिखा है कि अंदर जाना मना है? तो नीरज बोला, ये तो ठीक से मैं भी नहीं जानता, बस इतना पता है कि इस चर्च के पीछे की तरफ एक बगान है, उस बगान में एक डायन की आत्मा कैद है इसलिए इस चर्च में जाना मना है। इस पर मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा तो ये गांव भी अंधविश्वास में ही डूबा हुआ है? तो नीरज बोला, नहीं भाई ये अंधविश्वास नहीं है, मैं इन सब चीजों पर पूरा विश्वास करता हूँ और तू क्या सोच रहा है मैं ये भी जानता हूँ।
तभी मैंने बोला, एक काम कर, तू ये टॉर्च मुझे दे दे और तू यहीं रुक, मैं अंदर से घूम कर आता हूँ। इतना बोलकर मैंने नीरज के हाथों से वो टॉर्च लिया और चल पड़ा चर्च के दरवाजे की ओर। चर्च के दरवाजे पर ताला नहीं था, दरवाजा बस ऐसे ही लगा हुआ था, लिहाजा मैंने दरवाजे को धक्का दिया और चर्च के अंदर दाखिल हो गया। चर्च बाहर से जितना पुराना लग रहा था, अंदर से भी वैसा ही था। धूल की एक मोटी परत ने पूरे चर्च को अपने आगोश में लपेट रखा था। चर्च में जो एक दो बेंच लगे हुए थे वो भी दीमक लगकर सड़ चुके थे। खैर, मैं दोनों तरफ लगे बेंच के बीच से होते हुए चर्च के पीछे की तरफ जाने लगा। चर्च के पीछे यानी बगान में जाने के लिए एक अलग दरवाजा था। चलते हुए मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा बाहर से लॉक था, लिहाजा मैंने दरवाजा खोला तो ठीक मेरे सामने वही बगान था जिसके बारे में नीरज मुझे बता रहा था। मैं बगान के अंदर दाखिल हुआ और टॉर्च घुमाकर चारों तरफ देखने लगा। वो बगान कम, जंगल ज्यादा लग रहा था। झाड़ियां और पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े हो चुके थे। जमीन पर घासों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ बहुत सालों से कोई आया ही नहीं हो। मैंने बगान में घुसकर चारों तरफ देखा मगर वहां मुझे कोई डायन नहीं मिली, जिस पर मैंने खुद ही मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, कहीं नजर नहीं आ रही डायन, बेवकूफ गांव वाले। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी मेरे नाक में एक अजीब किस्म की खुशबू आने लगी, मगर वो खुशबू बुरी नहीं थी बल्कि वो बहुत ही अच्छी खुशबू थी, जैसे किसी ने परफ्यूम लगाया हो। मगर मैंने तो परफ्यूम लगाया ही नहीं था, तो फिर ये खुशबू किस चीज की है? थोड़ी देर और वहां पर रुकने के बाद मैं उस चर्च से बाहर निकल गया। नीरज अभी भी चर्च के बाहर ही खड़ा था। तभी मैंने नीरज से कहा, क्यों चौंक गया ना मुझे देखकर? कोई डायन नहीं है अंदर, पागल चल घर। मेरे से ये सुनकर नीरज काफी हैरान हुआ। खैर, फिर हम लोग घर आ गए। थोड़ी ही देर में रात हो गई। गांव के लोग अमूमन जल्दी ही खाना खाकर सो जाया करते हैं। उस गांव का भी आलम कुछ वैसा ही था। घर के सभी लोगों ने खाना पीना करके जल्दी ही बिस्तर पकड़ लिया। मैं और नीरज एक ही कमरे में सोए थे। कुछ देर तक तो मैं और नीरज आपस में बातें करते रहे मगर फिर नींद ने कब किसको आगोश में ले लिया, कुछ पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तब घर के दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। दस्तक सुनकर मैं एकदम से बिस्तर पर उठकर बैठ गया। हैरानी की बात तो ये थी कि दस्तक की आवाज सुनकर मैं जाग चुका था मगर मेरे बगल में सोया नीरज नहीं, जैसे वो दस्तक की आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही हो। बहुत देर तक दरवाजा पीटने के बाद भी जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तब मैं ही उठा और अपने कमरे से निकलकर मेन दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने कुंडी सरकाकर दरवाजा खोला तो मैं दंग रह गया, क्योंकि ठीक मेरे सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि मेरी नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। मगर एक बात मैंने उस वक्त नोटिस करी कि उस लड़की के बदन में से एक खुशबू आ रही थी, ठीक वैसी ही खुशबू जो मुझे उस पुराने चर्च के पीछे वाले बगान से आई थी। मगर उस वक्त उस खूबसूरत लड़की को देखने के बाद मैं कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता वो लड़की वहां से कहीं जाने लगी। अब तक उसकी खूबसूरती में बावरा हो चुका मैं उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। मैं कहां जा रहा था
इस बात का मुझे जरा भी होश नहीं था। चलते चलते मैं उसी चर्च के पास आ चुका था, तभी वो लड़की चर्च के अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चर्च के अंदर घुस गया। वो लड़की चर्च के बगान की ओर जाने लगी, मैंने भी वैसा ही किया। बगान के अंदर जाकर वो लड़की अपना चेहरा पीछे घुमाकर खड़ी हो गई। तभी मैंने उस लड़की से कहा, आप कौन हैं? मगर इस पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उस लड़की से कोई जवाब ना पाकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, मगर ये क्या, मेरा हाथ उसके कंधे के आर पार हो गया। इतने में ही उस लड़की ने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस लड़की का चेहरा बेहद डरावना था। उसकी दोनों आंखें दूध जैसी सफ़ेद थीं और अब उसका पूरा चेहरा बदल चुका था। उसका चेहरा किसी लड़की के बजाय अब एक बुढ़िया में तब्दील हो चुका था। वो बुढ़िया अपनी सफ़ेद आंखों से एकटक मुझे घूरे जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं वहां से भागना चाहता था मगर अपने पैरों को एक इंच भी हिला नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मेरे दोनों पैरों में कील ठोक दी हो। तभी उस बदसूरत बुढ़िया ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, बहुत दिनों के बाद आज मुझे शांति मिलेगी। इतना बोलकर उस बुढ़िया ने अपना एक हाथ उठाया। उसके हाथ के नाखून इतने बड़े बड़े थे जैसे वो नाखून नाखून ना होकर कोई धारदार खंजर हो। वो बुढ़िया अपने हाथ को मेरे गले के पास लेकर आ रही थी। मैं उस बुढ़िया का इशारा समझ गया और अपने पैरों को एक झटके से उठाकर वहां से भागने लगा। भागते भागते मैं चर्च से बाहर निकल गया, मगर उस बुढ़िया ने अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जी जान लगाकर मैं सीधे नीरज के घर पहुंचा और दरवाज़ा बंद करने के बाद सबको पूरी बात बता दी, जिस पर नीरज के पापा ने बताया, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए। दरअसल तुम जब शाम को उस चर्च में गए तब तुमने बगान का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, इसलिए वो डायन की आत्मा आज़ाद हो गई। ये सुनकर मैं और ज़्यादा डर गया और उसके दूसरे दिन ही मैं और नीरज वहाँ से अपने घर यानी शहर आ गए। और हाँ, उस दिन के बाद से मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर पूरा यकीन करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।